अतीक अहमद पर राजू पाल की हत्या का मामला भी चल रहा है। साल 2005 के इस मामले में आज भी इंसाफ का इंतजार हो रहा है, वहीं घटना के गवाह आज भी खौफ में जी रहे हैं। 25 जनवरी 2005 इलाहाबाद वेस्ट सीट से बीएसपी एमएलए राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। उस वक्त गाड़ी में रुखसाना भी मौजूद थी। रुखसाना को भी दो गोलियां लगी, लेकिन किस्मत से वो बच गई। जो हमको आगे बैठा लिया तो कुछ दूरी गाड़ी पहुंची और तीन गाड़ी पहले से लगी खड़ी रही और वही पर सब हमलावर बैठे रहे। और जैसे गाड़ी अमरदीप के थीन पहुंची और ताबक तोड़ गाड़ी से निकल के फायर करने लगे। राजू विधायक की भी गोली लगी, हमारे गोली लगी और बहुत गोली चली। राजूपाल की हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत कुल 9 लोगों पर है। मामला लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। रुखसाना और सादिक ने अतीक के खिलाफ गवाही दी तो अतीक गैंग इनका कट्टर दुश्मन बन गया। कई बार धमकियां मिली, हमले। फ्रीडम ऐप से सीख कर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं भी हुए। और अब उमेश पाल की हत्या के बाद इनका खौफ और बढ़ गया है। रुखसाना और सादिक का दावा है कि अतीक से इस लड़ाई में उनके 2 मकान तक बिक गए हैं। सादिक के मुताबिक उनके खिलाफ 18 साल में 10 से ज्यादा केसेस दर्ज कराए गए जो झूठे हैं। लड़ाई अभी भी जारी है और इंसाफ का इंतजार हो रहा है। और अब अतीक पर कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर राजू पाल की पत्नी ने खुशी जाहिर की है, हालांकि उन्हें आरोपी अशरफ के बरी होने का अफसोस भी है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को तो उम्र कैद की सजा मिल गई, लेकिन उसका भाई अशरफ बरी हो गया। उमेश पाल विधायक राजू पाल की हत्या में गवाह थे। आज सजा सुनाए जाने के बाद राजू पाल के पत्नी पूजा पाल ने अशरफ के दोषी मुक्त होने पर अफसोस जाहिर किया। जी देखिए, जो कोर्ट का आज फैसला आया है इसका मैं स्वागत करती हूँ। तो इसमें मैं कहना चाहती हूँ, आज अशरफ को सजा नहीं सुनाई गई, उसमें ये है कि जो अशरफ से जुड़े जो शूटर्स हैं उनका मनोबल आज घट गया और उनके लोग को थोड़ा सा ताकत मिलेगा। वहीं सूबे के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने कहा है कि राज्य सरकार हर अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। पिछली सरकारों ने ठीक से पैरवी नहीं की, हमने ठीक से कोर्ट के समक्ष पैरवी की। आज उन्हें उम्र कैद हुई है। सभी माफियाओं में आज खौफ है। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कानून का राज स्थापित करने के लिए। हर स्थिति में हम इसको मेंटेन करेंगे। फ्रीडम ऐप से सीख कर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।